गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय सेल्फ स्नेहा मोरेश्वर मोकल एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिक फंक्शंस इन एक्सेल. ओके, सो जनरली वी आर डूइंग द फंक्शंस लाइक काउंट, एवरेज, सम्स. सो फर्स्ट वी विल सी द काउंट. व्हाट इज द काउंट? सो काउंट मीन्स देर इज अ So in Excel, see, there is a discount column. Okay, in that we have put the numbers, so we have to count that. So ये count करने के लिए हम count function use करते हैं. In generally हम जब count करते हैं तब कैसे हमें count manually करना पड़ता है. Okay, 1, 2, 3, 4, तो ये हमारे लिए difficult जाता है. तो इसके लिए Excel ने आपको functions provide किए हैं. तो ये जब हम function use करते हैं तो हमें कंपल्सरी इक्वल टू सिंबल डालना पड़ता है. ओके, अभी देखो मैंने वो इमेज डाली है, उसमें हमने फंक्शन लिखा है इक्वल टू काउंट. जब आप इक्वल टू काउंट लिखोगे तब आपको कौन से पैरामीटर पास करने हैं वो उसमें दिखाई देगा. ओके, वो आपको सजेशन देता है कि आपको एक्चुअल में उसमें डालना क्या है. ओके, देखिए उसमें पैरामीटर पास किए हैं वैल्यू 1, एंड जो भी राउंड ब्रैकेट में रहते हैं उसे पैरामीटर कहा जाता है, और जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में रहते हैं उसे ऑप्शनल कहा जाता है, मतलब वो ऑप्शनल है. यहाँ पे आप मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो. ओके, सो यू हैव टू सिलेक्ट द सेल. ओके, आफ्टर सिलेक्टिंग द सेल यू विल गेट द काउंट ऑफ दैट नंबर. ओके, काउंट में अभी डिस्काउंट में देखो कितने वैल्यूज है. फर्स्ट, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So it will give the count of the discount values. Okay, this is the working of count. So this is the syntax of count. Value 1 and value 2, these are the parameters of the count. Okay, this is the working of count function. Next we will see what is the average function. Okay, average means what? In general, average means, suppose we will take the example of the student marks. Okay, while doing the counting of student marks, we calculate doing the sum of all the marks and dividing the number of subjects. Okay, so हम क्या करते हैं, सारे student के marks लेते हैं और divide by जितने subjects हैं उसे divide करते हैं. Okay, so ये हम divide ऐसे करते हैं. तो इन एक्सेल में उन्होंने क्या हमें प्रोवाइड किया है, एवरेज फंक्शन प्रोवाइड किया है. तो इससे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एवरेज फाइंड कर सकते हो. जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करो, उसके बाद आप उसका एवरेज निकाल सकते हो. ओके, अभी नेक्स्ट है मैक्सिमम फंक्शन. ओके, अभी हमारे टेबल में ज़्यादा नंबर होंगे, राइट, मल्टीपल नंबर्स रहेंगे, तो इसके लिए आपको डिफिकल्ट जाएगा मैक्सिमम नंबर फाइंड करना. तो एक्सेल ने आपको क्या किया है, मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के लिए फंक्शन प्रोवाइड किया है. ओके, तो आपको क्या करना है, इक्वल टू मैक्स डालो और ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट डालो, उसके बाद आपको नंबर सिलेक्ट करने हैं, राइट. आपको जितने नंबर में से मैक्सिमम नंबर फाइंड करने हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हो. उसके बाद नंबर सिलेक्ट करने के बाद आपको आउटपुट मिल जाएगा. जो भी आपके नंबर यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा वो आपको आउटपुट मिल जाएगा. ये मैक्सिमम का सिंटैक्स है, ये आपको उसमें डालना है. ओके, आपको आप जब इक्वल टू मैक्स डालोगे तो आपके ब्रैकेट में आपको सजेशन आ जाएंगे कि आपको यहाँ पे इंसर्ट क्या करना है. यहाँ पे भी आप मल्टीपल नंबर्स डाल सकते हो. उसके बाद है मीन फंक्शन. ओके, अभी मैक्सिमम क्या होता है, लार्ज नंबर आपको फाइंड करके देता है, और मिनिमम फंक्शन क्या होता है, आपका जो भी स्मॉलर नंबर रहेगा वो आपको फाइंड करके देता है. ये भी मैक्स की तरह ही होता है, ओनली ये अपोजिट होता है उसके. हमें मैक्स क्या करता है, लार्ज नंबर फाइंड करके देता है, और मिनिमम क्या होता है, स्मॉल नंबर फाइंड करके देता है. इसका भी पैरामीटर क्या रहेंगे, नंबर्स ही रहेंगे, आपको नंबर्स ही इसमें डालने हैं. जो भी आपको नंबर्स चाहिए वो डालो जिसमें से आपको मिनिमम नंबर फाइंड करना है. ओके, सो नेक्स्ट इज सम फंक्शन. ओके, सो सम फंक्शन मीन्स व्हाट,
आपके जो पूरे नंबर्स रहेंगे उनका एडिशन मतलब सम रहता है। ओके, आपको अभी क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू डाल के सम फंक्शन को डालो। ओके, उसमें क्या आता है, पैरामीटर पास करने हैं आपको, सारे नंबर पास करने हैं जिसका आपको सम चाहिए। जब आप इक्वल टू सम डालोगे, उसके जो आपको सेल सिलेक्ट करनी है जिसका आपको सम चाहिए, वो सारे नंबर आप सिलेक्ट करोगे। सपोज आपने सम में डाला 1, 2, 3, तो उसके बाद उसका एडिशन होके आपको आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज मोड। अभी मोड मीन्स इसमें आपको नंबर डालना है और डिवीजर डालना है। मतलब क्या, इसमें आपको दो पैरामीटर पास करने हैं। आपको नंबर, सपोज आपने लिया 8 एंड डिवीजर लिया 3। अभी क्या करना है, आपको 8 डिवाइडेड बाय 3 किया तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2। तो मोड का आंसर रहेगा 2। आपका रिमाइंडर जो रहता है वो मोड फाइंड करके देता है। ओके, नेक्स्ट है इंट। ओके, इंट मतलब क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर फंक्शन है ये। इंटीजर मतलब जो भी आपकी वैल्यूज रहेंगी वो 1, 2, 3 ऐसी रहती है, और जो आपके डेसिमल रहता है, डेसिमल नंबर मतलब पॉइंट में आपका नंबर रहता है, 5.25 ऐसे नंबर रहता है, राइट। सो आपको क्या करना है, इंट में इंट फंक्शन लेके जो भी आपका डेसिमल नंबर रहता है वो वहाँ पे डालना है और आपको वो इंटीजर में कन्वर्ट करना है, राइट। तो आप क्या करोगे, इंट में जो भी नंबर रहेगा डेसिमल नंबर वो पुट करो और उसके बाद एंटर करो, उसके बाद आपको आंसर आ जाएगा। सपोज आपने इंट इन पैरामीटर पास किया कि आपने 5.25, उसके बाद आपने एंटर किया तो उसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू ही देता है। डेसिमल के बाद जो भी वैल्यूज आएंगे वो नहीं आपको आउटपुट में दिखाई देंगी। ओके, नेक्स्ट है आपका राउंड फंक्शन। ओके, अभी राउंड फंक्शन क्या करता है, वो पूरा आपका फिगर करके देता है, आपका जो भी आंसर रहेगा वो फिगर आउट करके देता है। सपोज आपने लिया 43.9, ओके, तो उसका आउटपुट क्या देगा, वो 44, क्योंकि वो आपको राउंड अप करना है फिगर। ओके, उसका सिंटैक्स क्या रहेगा, राउंड, और उसका आपको पैरामीटर पास करने हैं नंबर एंड डिजिट नंबर। मतलब क्या, नंबर मतलब जो आपका डेसिमल पॉइंट में नंबर रहेगा, सपोज 43.9, ओके, और कॉमा करके डिजिट नंबर डालना है। अगर आपने 0 डाला तो वो क्या आ जाएगा, सपोज 43.9 है तो 0 डाला तो 44 आ जाएगा। ओके, अगर आपने डाला 43.9 और आपको एक डिजिट उससे चाहिए तो वो क्या आउटपुट देगा, 43.9। ओके, दिस इज द यूज ऑफ राउंड फंक्शन। नेक्स्ट है एबीएस फंक्शन। एबीएस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, जब आप पास करोगे उसमें नंबर, अगर वो निगेटिव होगा, माइनस, सपोज मैंने एग्जाम्पल में दिया है कि -25 रहेगा, तो वो क्या करेगा, आपको जब आप एब्सोल्यूट फंक्शन यूज करोगे एंड उसमें डालोगे कि -25, देन इट विल गिव द वैल्यू 25, बिकॉज इट ओनली एक्सेप्ट द इट एक्सेप्ट द पॉजिटिव नंबर्स। ओके, थैंक यू।